वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग। आज बिल्कुल एक डिफरेंट सा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी आज बना रही है मेरी सिस्टर एप्रन। ये बेसिकली जो सिंक से रिलेटेड काम वगैरह होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, और सर्दियों के लिए ये बना रही है क्योंकि लीलन के कपड़े होते हैं और जब वो गीले हो जाते हैं तो काफ़ी देर से ड्राई होते हैं, तो इसलिए हम सर्दियों में ना इस तरह से खुद ही घर में बना लेते हैं। और जो काम घर पर कर लिया जाए, खुद बना लिया जाए, तो फिर उस जैसा काम जो है ना वो होता ही नहीं है। बाहर के एप्रन्स यानी बाज़ार से जो एप्रन वगैरह लाते हैं वो बहुत से हमने यूज़ करके देखे हैं, लेकिन ना जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, या जो उनके बांधने के लिए जो स्ट्रिप्स होती हैं, बेल्ट्स वगैरह, वो टूट जाती हैं, यानी ज़्यादा अरसे के लिए वो यूज़ नहीं होता। तो हम सर्दियों में ज़्यादातर ये बना लेते हैं और सारी सर्दियाँ ये आसानी के साथ चल जाता है। यहाँ पर कटिंग वगैरह कपड़े की मेरी सिस्टर ने कर ली थी। इसमें बेसिकली शॉपर यूज़ होता है, जो कि कपड़ा गीला होने के बावजूद भी ना हमारी शर्ट, हमारी कमीज़ गीली नहीं होती, तो इसलिए ये बड़ा सा शॉपर था और थोड़ा सा ये फट गया था तो वो ना यूज़ के काबिल तो नहीं रहा था, तो हमने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया। और वैसे भी जब हम बनाते हैं तो स्पेशली लेकर आते हैं। यहाँ पर जी शॉपर की भी कटिंग हो गई है और जो बेल्ट्स वगैरह इसके साथ अटैच होनी है उनकी भी कटिंग कर ली है। ये सारी कटिंग हो गई है, अभी इसकी स्टिचिंग भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है जी बेसिकली कपड़ा जो कि किचन में कपड़े वगैरह यूज होते हैं, यानी साफ़ी वगैरह, हंडिया वगैरह बनाते वक्त या बर्तन जो धुले हुए हैं वो साफ करके रखने होते हैं, तो उसके लिए ना हम अलग अलग इस तरह से ये छोटे छोटे कपड़े बनाकर रखते हैं। नैपकिन्स आप कह लें या किचन में जो कपड़े यूज होते हैं तो वो हम बना के रखते हैं। तो ये हम कपड़ा लेकर आए थे और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट सा कपड़ा है और स्टोव वगैरह क्लीन करने के लिए भी यूज़ होता है, तो बहुत ही ये सॉफ्ट सा रहता है और स्क्रैच वगैरह इससे नहीं आते और पानी भी ना जल्दी से ये जज्ब कर लेता है, तो इसलिए हम ये बना रहे हैं न्यू। और यहाँ पर जी ये बनाए हैं कपड़े के थैले या आप कपड़े के हैंडबैग्स कह लें जो कि यूज़ होते हैं, और शॉपर जो हैं वो यहाँ पर बंद हो गए हैं, तो इसलिए हमने ये बनाए ताकि बाहर हम जब भी जाएं तो इसको साथ ही लेकर जाएं। बहुत से बनाए हुए हैं हमने, तो आज मेरी सिस्टर ने ये नए बनाए तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी अब एप्रन की हो जाएगी स्टिचिंग। सबसे पहले ये मेरी सिस्टर स्टिच कर लेंगी और इस तरह से ना इनको सिलाई लगाकर फिर इनको सीधा कर लिया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा नफासत के साथ इस तरह से ये बन जाती हैं। और जो सिस्टर्स मेरी स्टिचिंग जानती हैं वो इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगी और अगर उनको पसंद आएगा तो वो बनाएंगी भी। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, यानी जो फुल कमीज़ का एप्रन होता है उस तरह से भी बनता है और इस तरह से हाफ कमीज़ का भी बनता है, यानी सिंक के पास जैसे हम काम कर रहे हैं तो इस तरह से हम इसको बांध लें तो कपड़े वगैरह हमारे महफूज रहते हैं, गीले नहीं होते। तो सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा इश्यू होता है और काम भी होता है और काम ऐसा होता है कि डेली बेसिस पे ही होता है, तो इसलिए हम इस तरह से बना लेते हैं और हर सीज़न में हम नया ही बनाते हैं और उस और सारे विंटर्स में उसको यूज़ करके तो फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और जब फिर विंटर आता है तो नया बना लेते हैं। तो ये होता है कि घर में अगर आपको काम करना आता हो, स्टिचिंग आप जानते हो, तो आप किसी भी वक्त कोई भी चीज़ बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीलियां लेकर आ सकते हैं, अच्छे तरीके से बना सकते हैं, अपने माइंड के मुताबिक बना सकते हैं। तो स्टिचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुनर है और आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। तो अब तो जैसे स्टिचिंग बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, यानी ये हाल हो गया है कि उतनी प्राइस कपड़े की नहीं होती जितनी कि स्टिचिंग ले ली जाती है, तो इसलिए स्टिचिंग जो है वो आनी चाहिए। तो यहाँ पर जी इस तरह से हमने कपड़े को उल्टा करके तो एक साइड पर शॉपर से रख लिए थे और अब इनको सिलाई लगा ली है और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो हमने सिलाई नहीं किया। अब इस हिस्से में से हम इस सारे एप्रन को सीधा कर
लेंगे। तो अगर आपको पसंद आए, अगर आपको समझ आए तो आप जरूर बनाइएगा। बहुत ज्यादा इसका फायदा है, आसानी के साथ यूज भी हो जाता है और ये है कि घर पर ही ये रेडी भी हो जाता है। जब आप गुलाई में कट लगा लेंगे ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इसको सीधा करने में, आसानी से ये सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ हमने सिलाई छोड़ी थी, जहाँ सिलाई नहीं लगाई थी उसको हम कवर करेंगे, उस पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से इसको कवर कर लेंगे ताकि बिल्कुल नफासत आए और बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलाई लग जाए। तो यहाँ पर अब दबाव की एक सिलाई लगा देंगे ताकि जो शॉपर इसमें हमने रखा है वो बिल्कुल भी हिले नहीं। और इस तरह से जब आप इसको सी लेंगे आपने बेफिक्र हो जाना है, कहीं नहीं जाएगा ये, आसानी के साथ आप इसको वॉश कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, आप जिस तरह चाहें इसको यूज़ करें। तो यहाँ पर जी दबाव की सिलाई भी लगी है, अगर आप चाहें तो इस पर जो रिबन होते हैं, जो लेस होती है, डोरी होती है, वो भी लगा सकते हैं थोड़ा सा इसको फैंसी बनाने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हमने इसको इसी तरह से रहने दिया है। अब बारी है जी इस पर बेल्ट जो है वो लगाने की, तो यहाँ पर मेयर कर लेंगे हम और फिर यहाँ पर हम इसकी बेल्ट जो हैं वो फिक्स कर देंगे। और लीजिए जी बातों ही बातों में हमारा एप्रन जो है वो रेडी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आसानी से और आराम के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं। और चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि घर में ही मौजूद होंगी, कोई भी शॉपर आप ले लें अगर अवेलेबल हो, क्योंकि अभी तो शॉपर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, और ज़्यादातर अगर शॉपर मिल भी रहे हैं तो वो कपड़े के बने हुए मिल रहे हैं, और या आप घर से ही लेकर जाएं तो आप अपनी चीज़ जो है वो शॉपर में डाल के ला सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि घर में ऐसी चीज़ मौजूद ना हो, कपड़ा भी अवेलेबल होगा, शॉपर भी होगा, तो आप इससे आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए जी इस तरह से हमने अच्छे तरीके से सिलाई करते हुए इसकी बेल्ट को फिक्स कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर काम इसी का है, इसी को हमने बांधना है, इसी पर ये एप्रन जो है वो बेस करता है। यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर जी अब जो हमने किचन में यूज होने के लिए कपड़े कट किए थे उसको हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको पीको वगैरह करवा लें, अगर आप सिलाई नहीं जानते, लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप इस तरह से इसको सिलाई कर लें, इससे बिल्कुल भी धागे वगैरह नहीं इसके निकलते, नफासत से ये रहता है और जिस तरह मर्जी यूज करें ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, होप सो आपको डिफरेंट सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट की बगैर मत जाइएगा। यहाँ पर दीजिए मुझे इजाज़त इस अपने पन के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर हमारा एप्रन बनाने का मेथड आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।